तो हेलो एवरीवन, आज हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक घंटे के लिए भी चला जाए तो कितना ज़्यादा दिक्कत होगा, ये आप सब जानते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, वो सिर्फ ही नहीं पढ़ेंगे, उसके आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डिफरेंस, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में, इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो देखेंगे वो बेसिक्स ही है। तो इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट करंट क्या होता है प्लस इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। देखो, अगर एक जगह इलेक्ट्रिसिटी कहीं बनती है, हमें पता है कि डैम्स हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हैं जो जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और उसको हमारे घरों तक पहुंचाने में क्या काम आता है, फिर सर्किट का काम आता है। ठीक है, अगर सर्किट नहीं रहेगा तो आप पहुंचेगा कैसे घरों में, जैसे तारे बिछे हुए हैं तो उस तारों के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी इन सर्किट के थ्रू कैसे पास करता है वो चीज़ समझो। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या है, बैटरी। बैटरी क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। अगर बैटरी नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल ही नहीं है कि पास कर जाए। ठीक है, सोर्स नहीं है तो, जैसे यहाँ बैटरी है, यहाँ डायरेक्ट करंट पास होगा, बट हमारे घरों में क्या है, अल्टरनेट करंट आता है, जो कि अल्टरनेट करंट क्या होता है वो बाद में बात करेंगे कि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर क्या होता है। जो डायरेक्ट अल्टरनेट करंट होता है वो क्या होता है, डैम्स और इन सब चीज़ों में बनता है और फिर हमारे तक आता है। तो देखो, सिर्फ बैटरी नहीं, बैटरी है, फिर स्विच है, फिर एमीटर है, रेजिस्टेंस है, फिर बल्ब है। ओके, तो बल्ब है, जैसे बल्ब की जगह हम फ्रिज लगा दें, हीटर लगा दें, जो भी चीज़ हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं वो चीज़ यहाँ पे हम सर्किट में लगा सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि बैटरी एक पावर देती है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे पड़े हैं, जैसे सर्किट में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ ये नहीं होता है कि नेगेटिव की पोजीशन से यहाँ इलेक्ट्रॉन एक भेजा तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा चल के यहाँ से यहाँ तक आया, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है अपना वाइब्रेशन और तब जाके वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं, और वो तब पॉसिबल होगा जब ये सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। तो ये सर्किट जब क्लोज होगा तब कहीं जाके ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली यहां से यहां तक अपना वाइब्रेशन ट्रांसफर कर पाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव साइड से निकलता है, वो कहां से निकलता है, नेगेटिव ऑफ बैटरी साइड। ठीक है, और इसी के अपोजिट हमारा क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। ओके, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट किधर होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। इतनी बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऐसे समझो, ऐसे दिमाग में याद रखो। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ तक आ रहा है, फिर करंट जो हो रहा है यहाँ से निकल के, सॉरी, करंट क्या हो रहा है, अपोजिट उसके हम हमेशा ड्रॉ करते हैं, मतलब करंट कहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कहाँ से जा रहा है, ऐसे याद कर लो, करंट है वो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो ये बात रही इलेक्ट्रिक सर्किट की, समझ में आ गया। एमीटर का काम क्या है, करंट को नापने का। रेजिस्टेंस जो होता है वो सर्किट में, ये नहीं होता कि यहीं पे सिर्फ है, ऐसा नहीं है, वो पूरे सर्किट में फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं होता है कि भाई तुम तार ले आए, इतना तार ले आए तो इसमें सर्किट नहीं है, सॉरी इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत अच्छा करंट जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। इस हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। ओके, बट हम दिखाने के लिए बस हम रेजिस्टेंस को अलग ड्रॉ करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर हम आते हैं करंट पे। देखो करंट है क्या चीज, करंट क्या होता है कि जैसे मैंने क्या बोला कि चार्ज, यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कह लो या इन द सेंस वाइब्रेशन का ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज है, तो इस चार्ज का ट्रांसफर जो हो रहा है पर यूनिट पर टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, मतलब अगर एक कूलम चार्ज, इसको क्या कहते हैं कि अगर एक कूलम चार्ज एक सेकंड में जाएगा तो कितना करंट जाएगा, एक एम्पियर करंट जाएगा। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको एम्पियर। ओके, तो एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है। तो करंट क्या है, अगर एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज, चार्ज क्या होता है, कूलम इसका यूनिट होता है, अगर एक कूलम चार्ज एक सेकंड में जाएगा तो उसको हम कहेंगे एक एम्पियर करंट पास किया है। अब एक कूलम चार्ज होता कितना है, एक कूलम चार्ज में कितना होता है, 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आ रहा है, 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जैसे क्या होता है
कि एक दर्जन कुर्सी क्या होता है, एक दर्जन कुर्सी 12 कुर्सियां, ठीक है, एक दर्जन केला क्या हो गया, 12 केले हो गए। तो ये एक मतलब स्टैंडर्ड बना दिया जाता है नापने का किसी चीज़ को। तो यही वही कुलम्ब क्या है, एक कुलम्ब अगर कभी भी बात आई तो एक कुलम्ब मतलब 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम कह दें एक कुलम्ब चेयर है तो एक कुलम्ब चेयर में कितना होगा, 6×10⁻¹⁸ चेयर्स होंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कितने केले होंगे एक कुलम्ब में, 6×10⁻¹⁸ केले होंगे, ठीक है, तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो कुलम्ब भी एक क्या है, स्टैंडर्ड कह लो मेट्रिक चीज है जो नापने के लिए बना है। तो एक कुलम्ब में स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कितना कुलम्ब चार्ज होगा। अब देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक कुलम्ब में, ठीक है, एक कुलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, तो वो क्या होगा, इसको इधर ले आओगे, इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब, ओके, लेकिन एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो है 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो देखो मतलब कि कुलम्ब क्या हो गया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कुलम्ब जो है जैसे एक दर्जन, तो एक कुलम्ब में 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करके 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होंगे। बट जो इलेक्ट्रॉन है उन पे चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा, ठीक है, चार्ज कितना होगा, तो वो होगा 1.6×10⁻¹⁹ कुलम्ब चार्ज होगा। वो कैसे आया, यहाँ से हम यूनिटरी मेथड वही डिवाइड किए, 1 इलेक्ट्रॉन = 1/6×10⁻¹⁸, ठीक है, और यहां से डिवाइड करोगे 6×7 को तो 1, मतलब ऐसे होता है, इसको डिवाइड करोगे तो यहां 0 पॉइंट आ जाएगा, तो 10 1 6 फिर 4 फिर 6 6, सॉरी ये 0 हो जाएगा, यहां से 36 और ऐसे करते हुए चलता जाएगा। तो यहां से क्या हो रहा है, इसीलिए यहां पे 18 था तो -19 हो गया है, समझे, तो एक और चार्ज होगा, तो यहां से ये जो पॉइंट है ये उठ के इधर आ जाएगा, तो कितना चार्ज हो गया, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब चार्ज होगा। आई गेस यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का जो भी चीज होगा, टॉपिक होगा, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।